तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब बड़े नंबर्स होते हैं, द नंबर्स वेर आर द देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स और द नंबर्स विच आर इन लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़, एंड इफ देर आर नंबर्स आर गिवन एंड यू वांट टू आस्क टू अरेंज ऑल द नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, हाउ शुड वी डू दैट? हम वो कैसे करेंगे, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल, रीड द नंबर्स। मैंने जब ये पहला वीडियो भेजा था तो उसमें मैंने बोला था कि नंबर्स को लाख करोड़ में मत पढ़िए, विदाउट रीडिंग, बिना पढ़े हम इसको कर सकते हैं। तो पहला जो रूल्स बताया था मैंने कंपेयरिंग का, वो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट है ना। चलिए देखते हैं, तो जिसमें डिजिट कम हो नंबर छोटा होता है, पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखोगे बच्चों, इसमें ये जो है इसमें कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा है ना, देखिए ना, बिना नंबर पढ़े मिल गया ना हमें, तो हमें इसको या डिसेंडिंग करना है। तो ये एक नंबर पता चल गया सबसे छोटा है, अब सबसे बड़ा पता करना पड़ेगा, तो ये लास्ट में आएगा नंबर हमारा। चलिए, तो कंपेयर करते हैं, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, तो सेम। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। ये दोनों में बाद में देखेंगे, तो दिस नंबर इज़ द लार्जेस्ट वन बिकॉज द सेकेंड टर्म इज़ हेयर 3, हेयर 3 एंड हेयर इज 7, सो दिस नंबर इज द लार्जेस्ट वन, सो वी शुड राइट दैट नंबर फर्स्ट। सो 2 7 3 8 6 3 9 है ना, डिक्रीजिंग। अब हम ये भी हमारा नंबर निकल गया, ये 2 निकल, ये तो लास्ट है ना, ये नंबर सबसे छोटा है तो लास्ट में लिखना, ये तो हो गया। Now we should compare these two numbers. So 2 2 same, 3 3 same, 6 6 same, again 3 3 same, यहाँ 8 एंड यहाँ 9, तो 8 वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो हम पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। So 2 2 3 6 3 9 8 6, इसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे हम 2 3 6 3 8 9 6, और सबसे छोटा नंबर तो हमने पहले ले लिया था ना, वो क्या था, 2 2 3 5 8 9। चलिए और एग्जांपल लेते हैं तो और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। First we should compare the number of digits. Here are 3 plus 3 6 7. Here are 3 plus 3 6 7. Here also 3. 1 2 3 4 5 6 7. Here also 3 plus 3 7. तो सभी जगह number of digits same है, तो पहला rule काम नहीं करेगा। So now we should compare the numbers by comparing the digit. First we should take the left side digit 7 7 7 7. It's okay. We can't compare by using 7. नेक्स्ट वन इज 2 5 4 2, तो यहाँ देखिए 2 तो एकदम क्लियर हो गए बच्चों, ये 5 सबसे बड़ा है ना, 5 सबसे बड़ा है, तो पहला सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया, आया ना आपको समझ में। यहाँ 7 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये नहीं, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 7 2 के बाद 6 यहाँ है, तो इसको पहले लिखते हैं 7 2 6 9 5 2 1, सबसे बड़ा ये है ना, यहाँ 7 2 के बाद 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 2 7 5 7 4 7 2, तो 2 जगह 7 2, थोड़ा गलत हो गया, हम दोबारा करते हैं इसको, एक मिनट देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ 7 7 7 7 ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 5 4 2,
तो सबसे बड़ा नंबर हमें ये वाला, दिस नंबर इज़ द लार्जेस्ट वन, सो वी शुड राइट इट फर्स्ट वन, 7539621 लार्जेस्ट नंबर हमें मिला। अब सेकंड लार्जेस्ट देखते हैं, देखो यहाँ 7 के बाद 2 है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये वाला नंबर सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये 7439659 ये वाला सही हमने दे दिया। अब हम कंपेयर करते हैं ये वाले वाले और फर्स्ट और लास्ट वाले में, यहाँ 7239, यहाँ 726, तो 6 वाला बड़ा है और यहाँ 3 है, 3 वाला छोटा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे, तो ये 7 7269 521 एंड द लास्ट वन इज़ द 7239651। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल वन, फर्स्ट काउंट द डिजिट, यर 3 6 7, यर अगेन 4 प्लस 3 7, यर 4 प्लस 3 7 एंड 4 प्लस 3 7, सो एवरीवेयर 7 डिजिट्स आर हियर। नाउ 9 के बाद 2 जीरो है, 9 के बाद एक ही जीरो है, तो 9090909 यहाँ देखिए लास्ट वाले में 99 मिला है, तो फर्स्ट में फर्स्ट जो डिजिट है सारे नंबर में 9 है, सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे तो यहाँ 0009, तो ये 9 सबसे बड़ा होता है इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा, इसको हम पहले लिखेंगे, ये 9900900 ये सबसे बड़ा नंबर हमारा निकल गया। अब बात जो नंबर बचे उसको हम कंपेयर करते हैं, चलिए तो यहाँ 0 दूसरा डिजिट, हम दूसरा डिजिट देख रहे हैं, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, तीसरा डिजिट यहाँ 0 है यहाँ 9 है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और यहाँ थर्ड डिजिट इज तीसरा डिजिट है 0 ही है, तो इसको हम लिखते हैं, तो 9909900 ग्रेटर देन उसके आगे, तो ये अभी हमारा इसका भी काम हो गया। अब हम दो डिजिट देते हैं, यहाँ के देखो यहाँ के तीनों डिजिट पहले सेम है, यहाँ पर भी सेम है, चौथा डिजिट देखो यहाँ 9 है यहाँ 0 है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा ये सबसे छोटा, इसके बाद आएगा 9009000 एंड लास्ट में लिखेंगे 9 के बाद 3 0 और 990। तो इस तरीके से आपको नंबर बिना पढ़े बस लेफ्ट साइड से डिजिट कंपेयर करते चलो और कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको सही से अरेंज करो, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम, पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं बच्चों, 7 है यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 है, चलो फर्स्ट डिजिट काउंट करते हैं 7777, सेकंड डिजिट काउंट करते हैं यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 0 है यहाँ 4 है, यहाँ बच्चों मतलब यहाँ देखिए सेकंड डिजिट देखते हैं 2300, तो यहाँ ये दोनों 00 इसको छोड़ देते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, मतलब ये सबसे बड़ा ये दो नंबर पे आएगा, सो वी शुड राइट डाउन नाउ 7344365 ग्रेटर देन 7244365 ग्रेटर देन। अब हमें इन दोनों में देखना है, यहाँ 7074 4, यहाँ 9 है बच्चों फोर्थ डिजिट 9 है यहाँ फोर्थ डिजिट 8 है, तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा, चलो तो 7049989 इज ग्रेटर देन 7048214। तो चलिए वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोटबुक में लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, तो बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।